प्रेसिडेंट वेस्टर्न इंडिया रीजन हो गया। अकबर शेख, वन मिनट सर, रुक गया। साजिद खान, प्रेसिडेंट मुंबई का। बीजू दानिश खान, नीचे का दिखाइए। ओके ओके। वाइस प्रेसिडेंट नासिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोडक्शन। महाराष्ट्र सेठ अली जी, प्रेसिडेंट पब्लिक सर्वेंट प्रोडक्शन। यस मैम, लुक यहां पे देखिए सर। वन मिनट सर। थैंक यू रवि। ओके ओके, धन्यवाद। संदीप अवधूत जी, वाइस प्रेसिडेंट नासिक डिस्ट्रिक्ट यू प्रोडक्शन। यस लुक हियर। यस लुक हियर मैम मैडम बोला सर। दो मिनट। सेल्फी सेल्फी। सैन कोलीवाड़ा, वुमन प्रोडक्शन। मैडम वन मिनट। थैंक यू। वसई तालुका, राजेश काडे। ओके विशाल गोले। हाँ हाँ। एहसान शब्बीर शेख, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट मिनिस्ट्री प्रोडक्शन। विनोद कांबळे, हेल्थ प्रोडक्शन। प्रेसिडेंट वन मिनट। सर यहाँ पे अनिल जैन, धनाजी कांबळे, वाइस प्रेसिडेंट ठाणे डिस्ट्रिक्ट। ओके थैंक यू। सागर रायचुरा, अलीम शेख, रोहित मामुडे। ललित बनेरिया, ललित बने, प्रफुल जैन। ओके ब्रिजेश, संजय मडवे, दादा काका थोड़े पड़े बस। ओके कुंकन टीम के जितने भी आया हुआ है सब लोग थोड़ा कृपया सभी मान्यवरों से फोटो निकालने के बाद सामने भेजने का प्रयास करेंगे। कौशल जहा, कौशल जहा आने का सबको सुना है, अब उनका भी सुनना है। यस लुक हियर। थोड़ा पास से ले इधर तेजस।
यस डीजे दो मिनट के लिए जरा अपना मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपका इतना हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और हमारे कुछ दो शब्द सुने हमारे से कुछ गलती हो गई होगी तो आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ। हमारे पास समय कम होने के कारण हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे मंच पर उपस्थित अतिगण पदाधिकारी वो इस सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं पर और पधारे हुए मेहमानों का भारतीय मानवाधिकार परिषद की तीसरी सालगिरह पर मैं हाजी शेख राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार परिषद आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति प्रार्थनीय है। आज भारतीय मानवाधिकार परिषद तकरीबन भारतीय मानवाधिकार परिषद में तकरीबन 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से अलग अलग तालुकों से हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने की 100% कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय मानवाधिकार परिषद 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें मेरा सहयोग देंगे और मेरे कांधे से कांधा मिलाकर मेरे साथ चलेंगे। इसी महीने के आखिरी तक हमारी एक हाईटेक वेबसाइट लॉन्च होगी जिसके जरिए से आप घर पे बैठकर भारतीय मानवाधिकार परिषद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और जो भी कार्य चल रहा है इसके बारे में आप घर पे बैठ के ही हमारे बारे में जान सकते हो। हमारा लक्ष्य है भारतीय मानवाधिकार परिषद को 1 साल में भारत की नंबर 1 एनजीओ बनाने का है जिसमें आप सभी का सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। हर जिले में एक अस्पताल से समझौता करेंगे जिसके जरिए से हमारे गरीब भाइयों बहनों का कम से कम पैसे में इलाज हो सके। हमारे देश में ऐसे कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनीतिक नेताएं हैं जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं जबकि उन्हें जनता के लिए काम करना होता है। हमारे देश में हर साल लाखों बच्चों की जान जाती है कुपोषण के वजह से, उनको खाना नहीं मिलने की वजह से, वो उनका प्रॉपर इलाज नहीं होने की वजह से। भारतीय मानवाधिकार परिषद ने आज ठान लिया है आने वाले 1 साल के अंदर हम ऐसे 100 बच्चों की जान बचाएंगे जो कुपोषण के शिकार हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग 100 लोगों की जान कैसा बचाएंगे, तो वो भी आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। भारतीय मानवाधिकार परिषद एक योजना की शुरुआत करी है, इस योजना का नाम है अन्नपूर्ण योजना। इस योजना के माध्यम से हम सभी भाइयों और बहनों से गुजारिश करेंगे कि कृपया करके आप आपकी कमाई में से 100 रुपए का अनाज अगर से आप दे देंगे तो 100% नहीं 1,00,000% 100 बच्चों की नहीं 1,000 बच्चों की जान बच सकती है। हर जिलों में जहां पर भी 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जिस दिन भी जुड़ जाएंगे भारतीय मानवाधिकार परिषद से, उस दिन भारतीय मानवाधिकार परिषद उस जिले को एक एम्बुलेंस गिफ्ट करेगी, यानी कि उन्हें वहां के रहनिवासियों को वहां के नागरिकों को अच्छी सुविधा मिल सके किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना हो तो। भारतीय मानवाधिकार परिषद आखिरी साल यानी कि 2014 में सॉरी 2015 में 7 जिलों में काम कर रही थी, लेकिन इस वक्त भारतीय मानवाधिकार परिषद 14 जिलों में काम कर रही है, जैसा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, इस तरीके से कर रही है। और मेरा वो हमारे पूरे परिवार का एक उद्देश्य है कि आने वाले 1 साल में हमारी जो परिवार है भारत के हर राज्यों में, हर जिलों में व हर तालुके में कार्य करकर भारतीय नागरिकों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार को रोकने में सक्षम रहेगी और सहयोग करेगी। भारतीय मानवाधिकार परिषद का अगला लक्ष्य यह है कि आने वाले 6 महीने के अंदर एक हिंदी व मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर हम लोग न्यूज़पेपर की शुरुआत करेंगे। वो इस तरीके से रहेगी हर जिले में जो भी हमारे
एक्टिव कार्यकर्ता या एक्टिव पदाधिकारी है उनको उस जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी न्यूज़पेपर चलाने के लिए, जिसके जरिए से हम पब्लिक के बीच की और सरकार के बीच की दूरियां कम करेंगे और सरकार की जो बुराइयां हैं उसके जरिए से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की कठिनाइयों को दूर करने की हर संभव कोशिश करूंगा। हमारा उद्देश्य है भारतीय मानवाधिकार परिषद के जरिए से आम जनता, पुलिस, कलेक्टर ऑफिस, इनकी जो दूरियां हैं, आज हमको किसी को प्रॉब्लम होता तो हम पुलिस चौकी जाने से कतराते। रीजन क्या है? क्योंकि हमको डर लगता पुलिस चौकी जाने से। मैं सबसे बड़ा पुलिस के खिलाफ में मेरे को बोलना और पुलिस के खिलाफ काम करना बहुत अच्छा लगता है। हम आने वाले समय में ओल्ड एज होम चालू करेंगे, जिसके जरिए से राजू भाई ने और हमारे राजू भाई के एक मित्र थे, उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज किया कि एक माँ अपने 5 बच्चों को संभालती है लेकिन एक बच्चा 5 बच्चे अपनी एक माँ को नहीं संभाल पाते। इसलिए आप सभी की आशीर्वाद का और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। हाजी शेख आने वाले समय में फ्री ऑफ कॉस्ट 100 लोगों को रहने की सुविधा ओल्ड एज होम चालू करने जा रहे हैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार दिलाते हैं, वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। मैंने जैसा कि बीच में बोला पुलिस का, हम लोग को पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरियां कम करनी है, उस इस तरीके से है क्योंकि आज के तारीख में अगर हमारा किसी का मोबाइल गुम जाता है तो सबसे पहले हम पुलिस चौकी चले जाते हैं। पुलिस चौकी जाने के बाद हम लोग वहां पे बोलते हैं कि हमारे FIR लो, लेकिन वो FIR नहीं लेते हुए क्या लेते हैं? लॉस सर्टिफिकेट। हम लोग बेवकूफ है जो पुलिस चौकी जाते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा मोबाइल चोरी हुआ, पुलिस वाले वहां पे लिखते गुम हो गया, मतलब हम पागल है क्या? है क्या? तो पुलिस वाले इस तरीके से लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाते हैं और FIR NC करने के लिए कई तरीके की रकम जैसे कि 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया या 1000 रुपये की डिमांड करते हैं और लेते भी हैं। हमारे भाई बहन 10,000 का या 20,000 का मोबाइल गुम होने के कारण उनको ये रकम दे भी देते, लेकिन ये मोबाइल 100% अगर से 100 मोबाइल चोरी हुआ है तो मुश्किल से 5 मोबाइल ही ढूंढ के ये लोग जनता को देते हैं, बाकी का मोबाइल का कोई अता पता नहीं होता है। जैसा कि आप जाके पूछोगे कि सर मेरे मोबाइल का क्या हुआ, तो आपको रिप्लाई आएगा तुमचा मोबाइल ट्रैकिंगला टाकला आहे, जस आपण भेटणार तुम्हाला आम्ही संपर्क करून तुम्हाला बोलून घेणार, ते कधी पण तुम्हाला बोलून तिकडे घेणार नाही। काय की हे लोकांचा धंदा आहे, बिझनेस आहे, लोकांना मला मी ते वर्ड यूज नाही करायला पाहिजे तरी पण करून देतो तुम्हाला, चुतिया बनवतात हे लोक आणि लोकांना फसवतात। लोक पैसे पण देतात, 6 महिने जाऊन तिकडे त्यांच्याशी बोलणार, साहेब काय झालं माझा मोबाईलचं, अरे तुझं मोबाईल ट्रेकिंगला टाकलंय, एकदा जाणार, दोनदा जाणार, तीनदा जाणार, 6 महिन्यानंतर 6 महिने बाद आप खुद भूल जाओगे की आपका कधी मोबाईल कोई जिंदगी में गुमाता बोल के या चोरी हुआ था बोल के, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि एक FIR करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर को उस जगह पे जाना पड़ता है जहां पे मोबाइल चोरी हुआ था। ये लोग एक प्रोसेस से बचने के लिए पब्लिक को बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो काम है पुलिस का, पुलिस अगर FIR लेती है तो 40 दिन के अंदर उस पे कार्रवाई होना संपल्सरी है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई होती नहीं है। हमारे कुछ भाई बहन, आज हम लोग 3,600 केस लास्ट 3 साल में सॉर्ट आउट किए हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, हरेसमेंट, पुलिस चौकी, अस्पताल, इस तरीके के अन्य कई केसेस हमारे जरिए से सॉर्ट आउट किए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है और ये मेरे अकेले के वजह से नहीं है, ये हमारे छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े पदाधिकारी के सहयोग से ये संपूर्ण हुआ है। मैं सभी के सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ इसी तरह से आगे। भारतीय मानवाधिकार परिषद आने वाले समय में इस तरीके से काम करेगी कि सरकार की जो भी योजना लॉन्च होती है या आती है
उसके बारे में एक एक जानकारी हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ हमारी वेबसाइट पे हर स्कीम की, हर योजना की जानकारी, वो उसका फॉर्म वहां पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। भारतीय मानवाधिकार परिषद का जो हेल्पलाइन नंबर है 8080156156, ये हेल्पलाइन फिलहाल 9 से 10 बजे तक चलता है, लेकिन आने वाले 3 महीने के अंदर हम लोग एक कॉल सेंटर चालू करेंगे, जिसके जरिए से हम लोग सभी नागरिकों को 24 घंटा सुविधा देने का प्रयास करेंगे। भारतीय मानवाधिकार परिषद को यहाँ पर आज इस मुकाम तक लाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है हमारे मुकेश पटेल जी, जिन्होंने उनका ऑफिस हमको एकदम रिजनेबल रेट में दिया है। लास्ट 3 साल से भारतीय मानवाधिकार परिषद का राष्ट्रीय कार्यालय उन्हीं के ऑफिस में है, उन्हीं के जगह में है। इसी के साथ मुझे यहाँ पर लाने में जिन्होंने सहयोग दिया है वो है इस्माइल मुल्ला जी, दिलीप चौधरी जी, आईएस खान जी और कुछ नाम और हैं, सुनील परदेसी जी, बिजू नायर जी, राजू नाइक जी और इस तरीके से काफी सारे लोग मुझे यहाँ पे लाने में सहयोग किए हैं। आज भारतीय मानवाधिकार परिषद की 3री सालगिरह है, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए 1ली सालगिरह है हमारे संस्था की। ये आज हमने पहला सीढ़ी चढ़े हैं, इस तरीके का मैं अपने आप को समझता हूँ। आने वाले समय में हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि पब्लिक और सरकार दोनों भी हमारे लिए हमारे काम की इच्छा रखेंगे, हमारे काम की तारीफ करेंगे। इसी के साथ मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से हाजी शेख शुक्रगुजार है, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए और हमारे 2 बात सुनने की मौका दिया। धन्यवाद सभी का। सभी लोग खाना खा के जाना कि आपके पास 5 दिन रहे प्रदान करेंगे। स्टाफ है, इनके बिना आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ओके ओके, उनके मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चिराग मोडिया जी को। श्री संतोष लक्ष्मण जी, परेश जी गोयल, चिराग मोरडिया जी, ओके थैंक यू श्री संतोष लक्ष्मण जी, सीमा पाटिल जी के वे मंच पर पधारे। सीमा पाटिल जी, भारतीय मानवाधिकार परिषद नासिक। ना याद है ना बात है, ना याद है ना बात है। हाजी सर आप ऐसे आगे बढ़ो, हमारी पूरी टीम आपके साथ। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो। एक भयंकर सूचना है, भयंकर ना भय है वो निकल गई, तो प्लीज बी से 8848857। मैडम
थोड़ी काका स्माइल रखो चेहरा पर। एक मिनट तो यहाँ पे आइए थोड़ा। ये साइड आएंगे तो बैठ। हाँ यहाँ पे देखिए सर, वन मिनट। ओके डायरेक्ट माइल। यस यस, थोड़ी स्माइल दे सर। ओके आइए आप भी। मैं बड़े साहब यहाँ पे ध्यान। ओके वन मिनट। One minute.